एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और हमेशा की तरह एक और खास मुद्दे पर क्रिकेट की बात लेकर क्रिकेट के एक और खास इंटरेस्टिंग टॉपिक पर चर्चा के लिए मैं आपके साथ मौजूद हूं। और जैसा आप देख सकते हैं ये तीन चार शब्द आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहे होंगे कि आउट भी होगा नॉट आउट, तो आखिर ऐसा क्यों लिखा है, क्या वजह है कि आउट भी होगा नॉट आउट, यहाँ पर हम आपके साथ चर्चा कर रहे हैं। तो मैं आपको बता दूँ कि क्रिकेट में जो रूल बनाने वाली संस्था है, क्रिकेट की सुप्रीम बॉडी तो ICC होती है, लेकिन क्रिकेट में जो रूल बनाती है वो है MCC। और MCC ने जो मांकडिंग वाला रनआउट है उसको लेकर अपने रूल में कुछ चेंज किया है, और उन्हीं चेंजेस के बारे में आज चर्चा करने के लिए हम आपके साथ हैं, क्योंकि 19 जनवरी की शाम को ये चेंजेस हुए हैं। और जो चेंजेस हुए हैं वो क्यों हुए हैं इस पर हम पहले आपके साथ बात कर लेते हैं, क्योंकि जो मांकडिंग है ये जेंटलमैन गेम की एक ऐसी चीज़ है, ऐसा रनआउट है जिस पर अक्सर विवाद होते रहते हैं। बहुत कहते हैं लोग कि जेंटलमैन गेम के रूल्स के खिलाफ है, स्पिरिट के खिलाफ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। चाहे मेंस गेम हो या फिर वुमेंस क्रिकेट हो, जब भी मांकडिंग होती है लोग सवाल उठाते हैं, क्रिकेटर्स से लेकर तमाम लोग। लेकिन जो एक खास रनआउट हुआ है बिग बैश लीग ऑस्ट्रेलिया के अंदर, टॉम रॉजर्स थे ये यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न रेनिगेड्स टीम के, और एडम जैम्पा जो कि मेलबर्न स्टार्स के गेंदबाज से कैप्टन थे, उन्होंने एक मांकडिंग में रनआउट किया और उसके बाद कुछ कॉन्ट्रोवर्सी हुई। और उसके बाद जैसा मैंने आपको कहा, इस मैच के बाद MCC को रूल चेंज करने के बारे में ज़रूरत महसूस हुई या रूल पर कुछ क्लैरिफाई करने की ज़रूरत महसूस हुई। पहले हुआ क्या ये आपको मैं दिखा देता हूँ, क्योंकि सबसे पहले आपको मांकडिंग समझनी होगी कि इस रनआउट को किस तरह से एडम जैम्पा ने अंजाम दिया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं टॉम रॉजर्स जो है नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर है, एडम जैम्पा अपनी बॉलिंग स्ट्राइड पर आते हैं, और जिस तरह से वो अपनी बॉलिंग स्ट्राइड के लिए आगे बढ़ते हैं उसके बाद में साथ साथ टॉम रॉजर्स जो हैं वो अपनी क्रीज को छोड़ देते हैं, लेकिन एडम जैम्पा रियलाइज़ करते हैं कि उन्होंने बॉलिंग क्रीज जो है इसको अपनी टाप लिया है या फिर उसे क्रॉस कर लिया है, लेकिन वो बॉल नहीं रिलीज़ करते और वापस आते हैं टॉम रॉजर्स को आउट करने के लिए, अपील करते हैं अंपायर से, लेकिन अंपायर कहते हैं कि मैं थर्ड अंपायर के पास जाऊँगा, और थर्ड अंपायर क्या फैसला देते हैं, नॉट आउट। तो ये अपने आप में एक ऐसा रूल था जिसको लेकर बहुत लोगों ने हैरानी जताई कि आखिर हुआ क्या, आखिर क्यों नॉट आउट करार दिया गया। तो ऐसे में जो रूल बनाने वाली संस्था है क्रिकेट की MCC, उसने बीते 3 जनवरी को एक ट्वीट दिया था और उसमें उन्होंने कुछ क्लैरिटी दी थी इस मांकडिंग के ऊपर, और उन्होंने साफ साफ लिखा था कि द नॉन स्ट्राइकर कैन बी रन आउट इफ ही शी इज आउट ऑफ हिज हर ग्रुप ऑफ अनटिल द मोमेंट द बॉलर वुड नॉर्मली हैव बीन एक्सपेक्टेड टू रिलीज द बॉल, दैट मीन्स व्हेन द आर्म गेट्स टू इट्स हाईएस्ट पॉइंट। अब यहाँ पर आपको समझाने के लिए मैं गेंद की मदद लूंगा, तो पहले आपको मैं गेंद जो है ले लेता हूँ। तो यहाँ पर इसका मतलब जो MCC ने बताया था कि कोई भी गेंदबाज जब भी रनआउट के लिए या मांकडिंग के लिए अटैम्प्ट करता है तब उस टाइम देखा जाएगा कि उसके हाथ की जो पोजीशन है वो कहाँ तक है, उसका जो बॉलिंग स्ट्राइड है वो कहाँ पर, अगर कोई स्पिनर है तो वो किस अपने हाईएस्ट पॉइंट पर जाकर गेंद को रिलीज़ करता है, कोई फास्ट बॉलर है तो किस हाईएस्ट पॉइंट पर जाकर वो अपनी गेंद को रिलीज़ करता है। और ऐसे में ये देखा जाएगा कि गेंद को रिलीज़ करने का गेंदबाज का हाईएस्ट पॉइंट, और जिस वक्त नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर मौजूद खिलाड़ी ने अपनी क्रीज को छोड़ा, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या था, ऐसे में फिर रनआउट को अंजाम दिया जा सकता है, लेकिन वो भी अंपायर डिसाइड करेंगे। तो इस रूल को लेकर थोड़ी सी कंफ्यूजन थी जिसके बाद में एक बार फिर चर्चाएं हुई क्रिकेट के इस रूल बुक के ऊपर, लोगों ने सवाल उठाए, क्रिकेटर्स ने सवाल उठाए, फैंस ने सवाल उठाए। तो 3 जनवरी का ये ट्वीट था, लेकिन अब 19 जनवरी यानी कि कुछ ही घंटे पहले जो है 19 जनवरी की देर रात को MCC ने एक और क्लैरिटी दी, और उन्होंने बताया कि MCC ने एक क्लैरिफिकेशन इशू की है मांकडिंग के लॉ को लेकर, जो कि 38.3 है, जिसमें तमाम चीज़ों के बारे में उन्होंने बताया। तो MCC ने क्या बताया ये भी हम आपको बता देते हैं। MCC ने कहा है अगर नॉन स्ट्राइकिंग छोर पर खड़ा बल्लेबाज ठीक उस वक्त क्रीज से बाहर होता है जब गेंदबाज के हाथ से गेंद छूटने वाली होती है, तो ऐसी स्थिति में गेंदबाज नॉन स्ट्राइकिंग छोर पर खड़े बल्लेबाज को आउट नहीं कर सकता। हो सकता है अब इसके बाद में भी आपको कुछ कन्फ्यूजन हो कि भाई ये चक्कर क्या है, आप गेंदबाज को देखकर थोड़ा गेंद फेंकेगा, कोई बल्ले अपने नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर खड़े हुए बल्लेबाज को देखकर थोड़ा कोई गेंद फेंकेगा कि ये आगे हैं या पीछे हैं, तो कन्फ्यूजन हो सकती है। लेकिन अंपायर के लिए क्या रूल है, क्रिकेट का रूल क्या है, ये अब आपको मैं कुछ और तस्वीरों के साथ दिखाता हूँ। मसलन आप ये टॉम रॉजर्स के इस रनआउट को देख सकते हैं, जब एडम जैम्पा ने अपनी गेंदबाजी की स्ट्राइड को शुरू किया, इनका पाँव क्रीज पर है और इस वक्त आप देख सकते हैं टॉम रॉजर्स जो हैं वो क्रीज से आगे निकल चुके हैं। अगर यहाँ पर जो एडम जैम्पा है रनआउट का अटेम्प्ट करते तो शायद ये आउट हो सकता था,
लेकिन हुआ क्या, एडम जाम्पा आगे चले गए और यहाँ पर इनका हाईएस्ट जो एंगल है गेंदबाजी का वो देखिए, एक स्पिनर है, गेंदबाज ज़्यादा से ज़्यादा इस एंगल तक जाएगा। बहुत अगर हम शेन वॉन जैसे किसी लेजेंडरी बॉलिंग एक्शन वाले गेंदबाज की बात करें या फिर ऑफ स्पिनर जो होते हैं तो आगे जाकर गेंद को रिलीज़ करते हैं, तो ये जो इनका बॉलिंग रिलीज पॉइंट जो होगा वो यहाँ तक होगा, यानी कि नेक्स्ट पोजिशन अगर ये है। अब क्योंकि ये अपने बॉलिंग आर्क से आगे निकल चुके हैं, इस वजह से आगे जाकर इनका हाथ गेंदबाजी में विकेट को टच नहीं कर सकता। तो ये एमसीसी ने बताया। आपको मैं कुछ और तस्वीरें दिखाता हूँ, इन तस्वीरों को देखकर आपको शायद समझ आएगा। दोनों तस्वीरों, दोनों एंगल से यहाँ पर गेंदबाज जो है गेंदबाजी के लिए तैयार हो रहा है, नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर जो है रनर वो भी रन के लिए तैयार हो रहा है, और इसके बाद में क्या होता है ये देखिए, इनका हाथ स्ट्राइड से आगे निकल चुका है। भले ही फील्डर जो बल्लेबाज है उन्होंने लाइन क्रॉस कर दी है, लेकिन क्योंकि इनका हाथ इनके हाईएस्ट आर्म के एक्शन से आगे निकल चुका है, इस वजह से ये रनआउट नहीं माना जाएगा। यानी कि अब पूरी तरह से एमसीसी ने क्लियर कर दिया है कि चाहे कोई फील्डर या कोई माफ कीजिएगा कोई जो नॉन स्ट्राइकर है वो अपनी क्रीज पूरी तरह से छोड़ चुका हो, लेकिन अगर गेंदबाज ने अपना हाथ आगे गेंद रिलीज करने से आगे जा चुके हैं तो वो आगे से हाथ पीछे लाकर रनआउट अटेम्प्ट नहीं कर सकते। आप तो अगर मार्किंग करनी है, रनआउट करना है, तो आपको इंश्योर करना होगा कि आप हाथ ऊपर तक जाए ही नहीं, आप यहीं पर आपको अपना हाथ को अगर मेरा रिलीज पॉइंट जो बॉलिंग का अगर यहाँ पर आता है तो मैं यहाँ पर अपना हाथ नहीं लेकर जा सकता, मुझे मार्किंग के रनआउट अटेम्प्ट करने के लिए अपने हाथ को पीछे से ही रोकना होगा और फिर पीछे से अपने नॉन स्ट्राइकिंग एंड के जो हमारे एक्यूज फील्डर बैटर होंगे उनको हमें रन आउट करना होगा। तो ये एमसीसी ने पूरी तरह से क्लैरिटी दी है कि जो मार्किंग है उसमें रन आउट को किस तरह से अंजाम दिया जा सकता है, क्योंकि अगर आप ऐसे ही करते रहेंगे तो ये रन आउट को सही नहीं माना जाएगा। तो ये पूरी तरह से एमसीसी ने बता दिया है कि अगर आपको किसी खिलाड़ी को आउट करना है मार्किंग की फॉर्म में तो किस तरह से कर सकते हैं। अभी भी इस रूल को लेकर कुछ कन्फ्यूजन है, लेकिन क्रिकेटर्स को समझाने के लिए एमसीसी ने बता दिया है कि आपको अगर रनआउट अटेम्प्ट करना भी है तो एक हैसियत में रहकर आपको आउट करना होगा, एक पर्टिकुलर पॉइंट से में रहकर, एक पर्टिकुलर पोजीशन में रहकर ही आप रनआउट कर सकते हैं, नहीं तो आउट भी होगा नॉट आउट। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर शेयर कीजिएगा, अपने कॉमेंट्स भी ज़रूर जाहिर कीजिएगा।